मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में दुर्गा धार कप और चौपात पुलिस चौकियों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान जो है केदारनाथ विधायक शैलारिणी रावत और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड उपस्थित रहे। बता दें कि रिपोर्टिंग पुलिस चौकी दुर्धार में कुल 80 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौपता में कुल 24 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन सम्मिलित हुए हैं। इसके अलावा जनपद के थाना चौकियों के अंतर्गत 63 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था में यानी कुल मिलाकर 165 गांव नियमित पुलिस व्यवस्था में आए। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार ने कहा कि नवसृजित पुलिस चौकी स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक मित्र की भूमिका निभाएगी, लेकिन जो लोग कानून का सम्मान नहीं करते हैं और अपराध में संलिप्त रहते हैं उनके विरुद्ध पुलिस निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई भी करेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जनपद रुद्रप्रयाग में दो पुलिस जो रिपोर्टिंग चौकी है, आज उनका माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और माननीय केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारिणी रावत के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और ये जो चौकी है, दो चौकी हमारी, एक तो कोतवाली रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है और ये चौकी है रिपोर्टिंग पुलिस चौकी दुर्गाधार। इस चौकी के अंदर 80 गांव